आर्ट गैलरी है और हम हर महीने कोशिश करते हैं कोई ना कोई इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन करें पाकिस्तान को शोकेस करने के लिए. एंड ऑल्सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड के द वेमेन आर्टिस्ट आई थॉट इज हाई टाइम दैट वी पुट शो टुगेदर फॉर देम. तो एक एक आइडिया था कि इसको किया जाए. और जो आप मेरे पीछे काम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इसमें इस पूरे शो में एक आदमी है जिसका जो गुजरांवाला से हैं. इनका नाम है अवेस अहमद. ही इज़ द ओनली मैन दैट आई एडेड इन द शो बिकॉज हिज वर्क वॉज ऑल ऑन वेमेन एंड रियली ब्यूटिफुल वर्क एंड ही इज़ ऑल्सो क्वाइट अ प्रोफाउंड पेंटर. तो इनको बस मैंने इन्वॉल्व किया है इसमें. अदरवाइज सारे काम आप देख लें हमारी वेमेन आर्टिस्ट के. और एक काम इसमें सफ़र सईद का भी है जो अभी पहुंची नहीं, उनका छोटा सा एक काम है इसमें. और ताबिंदा चिनॉय का भी काम लगाया है, नाहिद रज़ा जो हमारी सीनियर आर्टिस्ट में से हैं, तो उनका भी कहना नाम लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अलॉन्ग विद दी अदर आर्टिस्ट एंड इमर्जिंग आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट ऑल्सो होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन आर्ट. मैंने कहा कि इरम सानी जो हैं वो काफ़ी सालों से पेंट कर रही हैं एंड शी इज़ ऑल्सो हैज़ सोल्ड नंबर ऑफ पीसेज टू जिमखाना क्लब एंड शी कीप्स यू नो मार्केटिंग हर वर्क्स इन डिफरेंट आर्ट गैलरीज. और हमारे यहाँ आई थिंक ये सेकेंड या थर्ड शो है ना, एग्जीबिशंस भी किए डिफरेंट आर्ट गैलरीज में. एंड देन आई हैव गॉट फातिमा हियर हु इज़ द यंगेस्ट. शी इज़ कहना चाहिए सीक्रेट आर्टिस्ट बट शी इज़ ऑल्सो वेरी I wanted to have a talk on the relationship between art and science because she is a gene editor, which makes you think, what am I saying? She is into genetic engineering and she's only 15 years old. So, but being the youngest woman on this special day, it's very important that we ask her how art and science move together and relate together. So, पहले तो मैं दूंगी ज़ेबन ज़ूबी साहिबा को कि वो कुछ अपने बारे अपने आर्ट के बारे में भी बताएं और इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैसेज भी दें. आर्ट ये है कि बहुत एक मुश्किल काम है और ये सिर्फ दो चार साल में नहीं आता, इसमें ज़िंदगी लगानी पड़ती है. फिर भी ब्रश पकड़ना आ जाए तो वो कुछ कर सकता है. वो भी कभी हमारी जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल नहीं बनती, बहुत मुश्किलों से जो है उसको बनाना पड़ता है. और वुमेंस डे पर मैं ये कहूँगी कि सबको जो है अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए. हमारे साथ सब हैं और हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है. नाउ आई रिक्वेस्ट शाजिया नदीम कि वो अपने व्यू से हमें बताएं कि हाउ शी इज सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वुमेंस डे. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनवाइटिंग हियर और कि मुझे इतना मौका मिला कि मैंने यहाँ पे एग्जीबिशन की मजमुआ में. मरीन इज़ ऑलवेज बीइंग अ वेरी इनकरेजिंग पर्सन जिन्होंने हमेशा औरतों को बहुत मौका दिया और कि अपने आप को वो फ़न को निखार सकें, अपने आप को बता सकें. इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से मैं अपने काम के लिए ये बताऊंगी कि मैं क्योंकि एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएट हूँ, मगर बहुत अरसे से डायरीज लिखती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ. ना सिर्फ पेंटिंग्स बनाती हूँ सिखाती हूँ, मैं फंक्शनल आर्ट पीसेज भी बनाती हूँ, मैं ज्वेलरीज भी बनाती हूँ. यू कैन से डैट आई एम मल्टी डायमेंशनल पर्सन, लेकिन पेंटिंग के हवाले से मैं हमेशा बहुत सेंसिटिव रही हूँ और हमेशा मेरा ये ख्याल रहा है इस सिलसिले में. बींग अ फीमेल हमें बहुत आज़ादी तो है, लेकिन एक इंसान के हवाले से मेरा ख्याल है, खाली ये फीमेल्स के हवाले से नहीं है बात, एक इंसान के हवाले से बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझ पाता, उसके अंदर होने वाले एहसास जज्बात को वो 100% कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे वो एक बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, या एक बहन और भाई का रिश्ता हो. सो आई एम एक्सप्लोरिंग दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विद इन माई वर्क. थैंक यू. लवली टू हियर दैट. बड़ा इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. सो नाउ आई हैंड द लवली माइक टू यू इरम. या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मेरी. यू ऑलवेज बीन काइंड एंड प्रमोटिंग मी यू नो फॉर सो मेनी इयर्स. एंड जी मैं एक इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हूँ और एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ और बस हाँ एंड वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. And I would like to spread the message के आज वुमेंस डे है और उसमें जो आपका पैशन है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, बाहर निकलना चाहिए. और मैं कुछ काफ़ी मेरी फैमिली में भी लड़कियां हैं जिनके पास डिग्रीज़ हैं मगर वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं, अब बाहर की डिग्रीज़ हैं
वो दस दस साल से कभी ब्रश को भी नहीं हाथ लगाया है, बट वन शुड यू नो, बिकॉज आई थिंक आपकी जो एंजाइटी होती है अंदर की और जो आपकी माइंड थेरेपी है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू आर्ट एंड द ब्रश एंड द कलर्स. And the series that you've painted? Yes, the series I have painted is called the Queen series, which is very colorful and it depicts like women celebrating life, you know, beautifully, like when they go to weddings, when they want to dress up and feel good for themselves, not for others. You know, आप जब तैयार होते हैं अपने लिए तैयार होते हैं, किसी के लिए तैयार नहीं होते हैं. जी बिल्कुल, अगर हस्बैंड कह दे अच्छी लग रही हो दैट्स ओके, अदरवाइज यू ऑलवेज वांट टू फील गुड यू नो, एंड दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. थैंक यू इरमशिप. वी हैव अनदर ब्यूटीफुल स्टार अमंग अस, हुमैरा अली हैज जस्ट जॉइंड अस. शी इज एन एक्ट्रेस इन पाकिस्तान टेलीविजन एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव डन सम फिल्म्स एज वेल. And she's a qualified painter and sculptor from NCA, along with I have to add to her credentials beautiful films that she's done. So I'm going to ask her to come and join the art gang here. Come right here. Thank you. And I'd like you to, you can have a little view of all the. Assalamu alaikum, my name is Humaira Ali and thank you for having me today. And main kaam dekh rahi hoon abhi, to I just got entered, you know, I can see the amazing work. Aur dusra ye ki I wish all the पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द आर्टिस्ट, हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, और स्पेशली अगर वो आर्ट से अगर उनका ताल्लुक है और वो इतने अरसे से काम कर रही हैं, ये पाकिस्तान का एक सॉफ्टर इमेज पूरी दुनिया में दिखाने के लिए, इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता. और एंड वी शुड इनक्रेज दैम एज मच एज़ वी कैन. और बाकी ये है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, डिफरेंट मीडियम्स है, कोई उसको डांस करके अपने फ़न का इजहार करता है और कोई उसको पेंट करके करता है, कोई उसको लिख कर अपने फ़न का इजहार करता है, लेकिन आर्ट सारा एक ही है. और मैं ये समझती हूँ कि ये मोहब्बत और आर्ट का कोई मज़हब नहीं होता, कोई ज़ुबान नहीं होती, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो इनको दिल से महसूस करें. एंड बस मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और औरतों का नाम रोशन करें. 6 बुक्स हैं. सो बेसिकली आई मेड अ सीरीज, इट्स बेस्ड ऑन परवीन शाकिर्स पोइट्री, खुशबू, इनकार, गोशा जश्न, खुद कलामी, माहिनु और कफे आईना. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 6 बुक्स लिखी थी और उनकी हर नज़म के ऊपर मैंने पेंटिंग के थ्रू उनकी जो तहरीरी फॉर्म है उसको मैंने तस्वीरी शक्ल में ढालने की मैंने कोशिश की है. आई यूज़ टू लिव बिफोर इन लाहौर, तो मैं वहाँ पर लॉरेंस गार्डन गई और मॉल्टन पार्क गई. आई आस्क अ फ्रेंड ऑफ माइंड टू टेक सम ऑफ माई पिक्चर, उनकी मैंने कॉम्पोजिशंस बनाई, उनके मैंने थंबनेल्स बनाए, फिर उनको बिल्कुल जो है वो स्क्रैच से मैंने उनको पेंट करना शुरू किया. एंड इट टुक अराउंड कोई 3 मंथ्स एक पेंटिंग के ऊपर. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू कि मैं अपनी इंशाल्लाह राइट आफ्टर ईद जो है मैं अपनी एग्जीबिशंस कर रही हूँ, एक तो यहाँ कराची में और एक मैं बाहर कर रही हूँ अमेरिका में कर रही हूँ. नाउ आई कम टू द यंगेस्ट स्टार ऑफ द इवनिंग, फातिमा, हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट जीन एडिटिंग. व्हाई डोंट यू कम हियर? ऑलराइट, आई वुड फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद जस्ट गिविंग ऑल ऑफ अस अ पैट ऑन आवर बैक फॉर अकॉम्प्लिशिंग सो मच, इवन इफ इट्स आर्ट, साइंस, व्हाटएवर इट इज, लाइक यू गाइस आर अमेजिंग वुमेन एंड आई एम लाइक ऑनर्ड टू बी हियर. So, being a 15-year-old doing gene editing, I mean, it's kind of not really normal to see. But I kind of find myself as a normal girl. And going into the field, seeing how technical it is, how sciencey it is, it still has some sort of art into it. Like, if we look into each other, how our genes are, how our DNA are, it creates us. And it creates us to be unique. So like 99.9% of humans are similar, right? But that because of that 0.1%, we are all different, and that's because of genes. And you can say that's how art is, right? Each and every one creates a different type of art with different brush strokes, different types of forms, acrylic, clay, pottery, whatever. That's how science and art is created and or related into. So yeah. That's wonderful, Fatma. You summed it up in such a sweet way.
अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? माशाल्लाह से आपका वर्क भी और अभी डिस्कस भी हुआ। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम जो जैसे कि मैम अरेंज करती हैं, मंथली होते हैं या वो, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज, जिस तरह से हम आर्ट कल्चर, अपनी तहजीब और सिविलाइजेशन और अपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा सपोर्ट करके हम इस पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान के अंदर रहकर और पाकिस्तान के बाहर जितने अच्छे तरीके से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसके अलावा उसका कोई अल्टरनेट है नहीं। क्योंकि एक आर्ट जो है वो पीस को जो है यानी हाँ पसंद करता है, और लव का मतलब और आर्ट का मतलब और ये सब चीज़ें जो है किसी भी मज़हब या किसी भी बंदिश से या आदमी औरत की ज़ात, जो तफीक़े हम लोगों ने जहनों में डाली हुई हैं, रंग मज़हब, इन सब से बहुत अबव होता है। वो बस एक दिल की एक ज़ुबान होती है जो कि सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और आर्ट चाहे किसी भी लेवल पे हो रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और स्पेशली अगर औरतें अगर उसको इतना आगे पाकिस्तान में बढ़कर उस पर काम कर रही हैं, तो जितना हो सके इस किस्म की एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए ताकि दूसरी औरतों को भी जो है हिम्मत हो और एक दूसरे से सीखें। लाइक मैं जो हूँ यहाँ पर सारी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है कि लाइक मैं, मेरी अपनी फील्ड है, इंटरटेनमेंट है, टीवी है, फिल्म है, लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा है आर्ट, तो इनको ख्वातीन को देखकर मुझे खुद आपका पैशन है वो आपने उसको छोड़ा नहीं है, जो होती है कि मुझे भी यू नो कुछ अपना एक साल का कुछ टाइम ऐसा निकालना है कि मैं उसमें कुछ काम अपना क्रिएट कर सकूं और मैं कुछ लोगों को दिखा सकूं कि हमारे पाकिस्तान की जो ख्वातीन हैं घर भी अच्छा चला सकती हैं, वो मूवीज़ भी कर सकती हैं, वो पेंट भी कर सकती हैं, वो डांस हर शोबा जात में जो है वो नाम बनवा रही हैं। माशी जनरेशन के लिए भी एक अच्छी चीज़ जो आगे आने वाली जो नस्लें हैं, ताकि उनको पता लगे कि हमारी जो ख्वातीन हैं 1947 से और उससे बहुत पहले भी जो है जब इंसान की हिस्ट्री शुरू हुई थी, औरतें किसी भी तरह से किसी भी मुकाबले में आदमी से कम नहीं हैं और अब भी वैसी ही है। माशाल्लाह से जो है फ़न को और आर्ट को जो है आगे उसको बढ़ा रही हैं। सो वी शुड सपोर्ट आर वुमेन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आज जो मजमुआ आर्ट गैलरी में जिस तरह से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है और भी दिनों में किए जाते हैं मुख्तलिफ दिनों में, अवेयरनेस के हवाले से ख़वातीन में और जो आर्ट से रिलेटेड हैं या नई जनरेशन जो आना चाहती है, क्योंकि इंटरनेट ने इन चीज़ों को या दूसरी दीगर चीज़ों को थोड़ा सा दूर कर दिया है बच्चों से या उससे, तो इनसे होना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। जी बिल्कुल जी, ये जो मेरी इनकी मजमुआ गैलरी है, ये हर चीज़ को प्रमोट करती है, लाइक फ्रॉम क्राफ्ट्स, इवन क्लासिकल डांसिंग एंड प्लस द आर्ट सीन। जी, एंड शी इनवाइट्स ऑल द सीनियर एज वेल एज द जूनियर आर्टिस्ट। जी जी, जैसे हम इंस्पायर होते हैं जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके काम देख के इंस्पायर होते हैं, ऐसे ही जो हमारी अब जनरेशन है वो हमें देख के इंस्पायर हों और वो आगे बढ़ें। एंड बिल्कुल जी, जिसमें टैलेंट है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह से ये अभी मजमू आर्ट गैलरी में आज प्रोग्राम मुनक्कित किया गया और मंथली ये प्रोग्राम अरेंज होता है, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स होंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा, जो यंग जनरेशन है उन्हें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम करेंगे तो उन्हें दिखाएंगे ना, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम उन्हें क्या दिखाएंगे। देखिए, आजकल जो हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं ये सारे हमारे बड़ों ने किया हुआ है, ये बिजली, ये पंखा, ये सारा कुछ जो है उन्हीं की वजह से आज हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब हमें भी तो कुछ अपना रोल अदा करना है ना, कि हम भी तो कुछ छोड़ के जाएँ, हम ये चीज़ें इस्तेमाल करें और चले जाएँ, तो होने चाहिए। और ये महरूम की अच्छी बात है, ये ख़ास तौर पे जो है ख़वातीन को इनक्रेज करती हैं और उनके प्रोग्राम्स भी करती हैं और अच्छा काम, अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। यानी हमारी सोसाइटी के लिए ये ऐसी ख़वातीन ज़रूरी हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स कराएं और ख़वातीन को एनकरेज करें और वो भी फिर अपना रिजल्ट दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज इस तरह से ये मजमूआ आर्ट गैलरी में प्रोग्राम हुआ है और माशाल्लाह से ये हर मंथली प्रोग्राम इस तरह के अरेंज किए जाते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए नई जनरेशन के हवाले से आप क्या समझते हैं? सवाल तो बहुत अच्छा है वैसे देखा जाए तो, और आजकल के हवाले से जब औरतें, मेरा ख्याल है हर फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर एक मुकाम लेकर आई हुई हैं, अब हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन पुरानी ख़वातीन की तरह नहीं रही, कि वो जिनको जो घरों में बंद थी और जो
जिनको एक्सपोज नहीं किया जाता था. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटली पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त ख़वातीन को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, तो हर ही फील्ड में ख़वातीन आगे आगे हैं. और मजमूआ आर्ट गैलरी की कंट्रीब्यूशन इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर महीने कोई ना कोई इस तरह का इवेंट रखते हैं जिसमें ख़वातीन को प्रमोट करना चाहते हैं, ख़वातीन के ऊपर बात करते हैं. अच्छी बात है, बल्कि ये इससे ख़वातीन का हमारा एक्सपोजर इंटरनेशनली बढ़ता है. जिस तरह मजमूआ के पास गेस्ट आते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए, वो सिर्फ हमारी लोकल फील्ड के नहीं होते, वो इंटरनेशनल भी होते हैं, एम्बेसडर्स भी होते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों से हमें एक्सपोज होने का मौका मिलता है. सो बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है. थैंक यू.